हम 2024 का T20 वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे, लेकिन वो कैसे जीतेंगे ये सवाल हमारे सबके मन में है। लेकिन शायद मोहम्मद कैफ ने इस पर अपना जवाब प्रतिक्रिया दी है। मोहम्मद कैफ ने कहा कि रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस और काउंटर अटैक करने की क्षमता T20 वर्ल्ड कप में टीम के काम आएगा और टीम को जिता भी सकता है। मोहम्मद कैफ ने भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा द्वारा वर्ल्ड कप में लिए गए फैसलों की सराहना की और इसके साथ तारीफों के पुल तो शायद वो रोहित शर्मा के इतने बंद गए हैं कि पूछे मत, जैसा कि उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में अपना गेम दिखाया था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि साल 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को ही करनी चाहिए। मोहम्मद कैफ के मुताबिक रोहित शर्मा ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में टीम को शानदार तरह से लीड किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैफ ने वर्ल्ड कप में लिए गए फैसलों के लिए रोहित की सराहना की। भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप 2024 में बल्लेबाज रोहित से ज़्यादा स्कीपर रोहित की ज़रूरत है। रोहित को टीम में इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। जिस तरह से रोहित ने वनडे वर्ल्ड कप में टीम को लीड किया, लीडर के तौर पर वो शानदार था। भारतीय टीम को T20 में रोहित के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। रोहित ने कप्तान और बैटर के तौर पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, टीम को T20 में भी उनकी ज़रूरत होगी। कैप ने ये भी कहा कि रोहित का एक्सपीरियंस और काउंटर अटैक करने की क्षमता टीम के काम आएगी, भारतीय टीम के लिए छोटे फॉर्म में काफ़ी ज़रूरी होगा। पुजारा पर क्या बोले कैफ, काफ़ी चर्चा हो रही है तो पुजारा पर भी कैफ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कैफ ने चेतेश्वर पुजारा के सिलेक्शन पर भी अपनी राय रखी। हाल ही में BCCI ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाने वाली टेस्ट टीम में पुजारा को नहीं शामिल किया, इस पर कैफ ने हैरानी जताई। उनका मानना है कि भारतीय टीम पुजारा के एक्सपीरियंस को मिस करेगी। उन्होंने कहा श्रेयस अय्यर के लिए पुजारा की जगह भरना कठिन होगा, मुझे नहीं पता पुजारा को क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया। आप अपने सबसे अच्छे बल्लेबाज के बिना दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर नहीं जा सकते। आप वर्तमान या अतीत की फॉर्म पर भरोसा नहीं कर सकते। जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो है एक्सपीरियंस, भारतीय टीम ये मिस करेगी। गांगुली ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि इससे पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने रोहित शर्मा की कप्तानी का समर्थन किया था। गांगुली ने कहा था कि रोहित 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप तक सभी फॉर्मेट के कप्तान रहेंगे और रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका टूर में रोहित शर्मा और विराट कोहली के ब्रेकअप लेने का भी समर्थन किया। उन्होंने दोनों को भारतीय क्रिकेट का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था। गांगुली ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में रोहित की कप्तानी और लीडरशिप की तारीफ की थी। ये भी कहा कि T20 के मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव का वनडे में खेलना निश्चित नहीं है। सूर्या को दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे सीरीज की टीम में जगह नहीं मिली है। इस पर गांगुली ने कहा कि वापसी के बाद रोहित को T20 टीम की कप्तानी करनी चाहिए। बता दें कि भारत का दक्षिण अफ्रीका टूर जो होगा सीरीज से चालू होगा कि 10, 12 और 14 दिसंबर के 3 T20 मैच खेले जाएंगे। इसके बाद 17 दिसंबर से वनडे सीरीज शुरू होगा जो 21 दिसंबर तक खेला जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि कौन रहेगा इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने में प्रबल दावेदार? अगर हो कोई आपके मन में नाम तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।